नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर सब्यसाची गुप्ता, कंसल्टेंट फिजिशियन, सिटी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल है और सिटी हॉस्पिटल भोपाल। आज मैं आप लोगों को कुछ हाइपरटेंशन के बारे में टिप्स बताना चाहता हूं। सबसे पहले हाइपरटेंशन का मतलब क्या है? हाइपरटेंशन का मतलब ये होता है कि किसी का रक्तचाप यानी कि ब्लड प्रेशर बढ़ जाना। अब बढ़ जाना अपन कब कहते हैं? अलग अलग गाइडलाइंस है, फिर भी जो नॉर्मल में अपन लोग फॉलो करते हैं उसमें ये है कि अगर आपका ब्लड प्रेशर 140/90 से ज़्यादा है तो उन पेशेंट्स को हम हाइपरटेंशन के क्राइटेरिया में लेते हैं। जब आपका ब्लड प्रेशर 140/90 से ऊपर हो जाता है, ये तरह तरह के ऑर्गन्स जिसे हम लोग टारगेट ऑर्गन्स कहते हैं अपने शरीर में, उसको डैमेज पहुँच जाता है। जिनमें है अपना ब्रेन, रेटिना, हार्ट, किडनी, ये सारे मेन ऑर्गन्स हैं। वैसे तो पूरे ब्लड वेसल्स पूरे शरीर में फैला हुआ है, हर जगह ही उसका असर होता है, लेकिन ये मेन टारगेट ऑर्गन्स है। ब्लड प्रेशर बढ़ने की वजह से ब्रेन में स्ट्रोक की बीमारी, जिसे हम कहते हैं कि लकवा या पैरालिसिस, इसकी बीमारी होती है। हार्ट में, क्योंकि ज़्यादा ब्लड प्रेशर के अगेंस्ट हार्ट को पंप करना पड़ता है, धीरे धीरे हार्ट फेलियर होने लग जाता है, जिसे हम लोग LVF या हार्ट फेलियर की बीमारी कहते हैं। किडनीज में धीरे धीरे फिल्ट्रेशन का प्रोसेस खराब होने लगता है, उसको हम लोग कहते हैं क्रॉनिक रीनल फेलियर या क्रॉनिक किडनी डिजीज। इसी तरीके से आँख में हाइपरटेंसिव रेटिनोपैथी हो जाता है, बारीक खून की नसें जो आँखों में होती है रेटिना में, वो कई बार फट जाती है। इससे आँखों में खून उतर आता है पीछे रेटिना में, जिससे कि इंसान का विजन चला जाता है। तो ये 3-4 मेन टारगेट ऑर्गन्स है जो कि ब्लड प्रेशर के मरीजों को नुकसान देता है। हाइपरटेंशन को साइलेंट किलर कहा जाता है, क्योंकि जब तक ब्लड प्रेशर है नॉर्मल में देखा जाता है कि वो कोई सिम्टम नहीं देता है। इस वजह से मरीज इसको बहुत ही ज़्यादा नज़रअंदाज करता है। अगर स्टैटिस्टिकली ले तो आधे लोगों का ब्लड प्रेशर, जो लोग ब्लड प्रेशर के पेशेंट हैं, उनका कंट्रोल में नहीं रहता है। तो हमें जो आज के दिन में प्रण लेना चाहिए वो ये लेना चाहिए कि कुछ भी करके अपन को अपना ब्लड प्रेशर 120/80 या उससे थोड़ा सा नीचे ही रखना है। अब आती है कि ब्लड प्रेशर होता क्यों है। ब्लड प्रेशर के कई कारण हैं होने के, उनमें से बहुत इम्पोर्टेंट कारण है स्ट्रेस, दूसरा है अपना लाइफस्टाइल कि अपना लाइफस्टाइल पैटर्न कैसा है, तीसरा है बॉडी का वेट, चौथा है आपका स्लीप पैटर्न कैसा है, ऐसे पांचवा है जेनेटिक रीजंस हो सकते हैं, छठवा कई बीमारियों में ब्लड प्रेशर हो जाता है। तो इनमें से जो अपन लोग रोकथाम कर सकते हैं ब्लड प्रेशर होने से, वो है अपना बॉडी वेट। हर kg बॉडी वेट रिडक्शन जो अपन करेंगे उससे 2 मिलीमीटर ब्लड प्रेशर अपना कम होता है। इसी तरीके से दूसरा है सॉल्ट इनटेक, 1 ग्राम नमक अपन कम लेंगे तो उससे अपना ब्लड प्रेशर 2 मिलीमीटर नीचे होता है। जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये है कि आप कुछ भी करके स्ट्रेस मुक्त जिंदगी जिए। जितना आप स्ट्रेस लेंगे उतना आपका ब्लड प्रेशर बढ़ेगा। तो कोशिश ये कीजिए कि कुछ भी करके स्ट्रेस को डी स्ट्रेस करने का। अपने बॉडी वेट अगर ज़्यादा है, आपकी हाइट जो है सेंटीमीटर में, उससे माइनस कर दीजिए 100, तो जो बचता है दैट शुड बी योर बॉडी वेट। जैसे आपका हाइट इन सेंटीमीटर 175 है तो उसमें से 100 माइनस कर दीजिए तो आपका वेट 75 होना चाहिए। अगर उससे ज़्यादा आपका वेट है, मतलब आप ओवरवेट हैं, उससे भी ज़्यादा है तो अपन ओबीस कहते हैं, या अपन बॉडी मास इंडेक्स निकलवा लें तो उसको 22 में रखना है अपन को, या उससे नीचे रखना है तो हम मानेंगे कि अपन हेल्दी है। इसी तरीके से वेस्ट और हिप रेशियो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। उसका मेजरमेंट्स जो है अपने इंडियंस को अगर देखा जाए तो उनका क्या है, वेस्ट बहुत ज़्यादा मोटा हो जाता है, तो वेस्ट हिप रेशियो 0.8 के करीब रखना है, जिससे कि अपन फिट रह सके। इसके अलावा लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन में अगर मैं बताऊं, एक रूल ऑफ 80 रहता है कि कोशिश करें कि आपका ब्लड प्रेशर डायस्टोलिक 80 के नीचे हो। कोशिश ये करें कि आप 80 मिनट्स ऑफ एक्सरसाइज जरूर करें, एक हफ्ते में 2 बार, मतलब 160 मिनट्स आप करीब डेली का आधा घंटा का एक्सरसाइज करें। एक्सरसाइज में भी ये है कि कोई ज़्यादा हैवी एक्सरसाइज करने की ज़रूरत नहीं है इंसान को, अगर ब्रिस्क वॉक करें तो भी चल जाएगा। हफ्ते में एक बार कोशिश करें कि आपका हार्ट रेट जो है टारगेट हार्ट रेट में पहुंचे। अब टारगेट हार्ट रेट क्या है,
220 माइनस एज, आपका एज अगर 40 साल है तो आपका टारगेट हार्ट रेट बनता है 180। उसके 85% भी अगर अपन रीच कर जाते हैं, अपना हार्ट रेट को बढ़ा लेते हैं 2 से 3 मिनट के लिए, तो भी अपन ये मान सकते हैं कि अपना हार्ट स्वस्थ है। दूसरा, जो अपन खाना खाते हैं उसमें कोशिश ये करें कि जो सीजनल फ्रूट्स है, रंग बिरंगे फल जो मिलते हैं वो जरूर रहे। वेजीज, वेजिटेरियन जो फूड्स है उनमें ये देखें कि कम से कम पका हुआ जो अपन लीव्स एंड फ्रूट्स और वेजिटेबल्स ले सकते हैं वो ले। जो डिश है उसमें पूरे टाइम एक मिक्स्ड खाना होना चाहिए, कार्बोहाइड्रेट की क्वांटिटी थोड़ा सा कम रखें और प्रोटीन की क्वांटिटी बढ़ाएं, और फैट जितना मिनिमम ले सके वो उतना अच्छा है। डेली का स्लीप, कम से कम 7 आवर्स का स्लीप आपको होना बहुत जरूरी है। और इस तरीके से स्मोकिंग बिल्कुल बंद करके रखना है। अल्कोहल अगर आप ले रहे हैं तो मॉडरेशन में लेना है, मतलब ज़्यादा क्वांटिटी में नहीं लेना है। रेगुलर आपको एक्सरसाइज करना है, फूड के बारे में मैंने आपको बताया, नमक आपको कम लेना है, पानी आपको ज़्यादा पीना है। ये सारी चीज़ें जैसे अपन फॉलो करेंगे एक लाइफस्टाइल में तो अपना ब्लड प्रेशर कंट्रोल रहेगा। इसके बावजूद अगर आपका ब्लड प्रेशर हो गया तो आपको रेगुलर एक फिजिशियन को दिखाना चाहिए जो आपके लिए मेडिसिन का डोज फिक्स करेंगे। हो सकता है सिंगल ड्रग, डबल ड्रग, ट्रिपल ड्रग, उन्हें जैसा ठीक लगेगा उसी हिसाब का मेडिसिन वो आपके लिए फिक्स करेंगे। पहली बार जब आपका हाइपरटेंशन होता है उस समय आपको बेसलाइन एक ECG, एक इकोकार्डियोग्राफी, लिपिड प्रोफाइल, किडनी फंक्शन टेस्ट, लीवर फंक्शन टेस्ट, यूरिक एसिड, ये एक बेसलाइन करवा लेना चाहिए और इसी चीज़ों को हर साल 2 साल में एक बार रिपीट कर लेना चाहिए। डॉक्टर के पास एक बार ब्लड प्रेशर जब आपका बिल्कुल बढ़िया कंट्रोल्ड है तो हर 3 महीने में आप एक बार विजिट कर सकते हैं। होम BP मशीन से आप अपना BP नाप सकते हैं। बस BP नापने का जो तरीका है, कई बार हम लोग पेशेंट को बोल देते हैं कि आप BP इंस्ट्रूमेंट ले लीजिए, तो वो कई बार काफ़ी प्रॉब्लमेटिक हो जाता है। BP का कफ जो है वो आपका आर्म पर 2/3 को बस वो करना चाहिए, इसको कहते हैं अपन लोग BP कफ। ये जो है ये आर्म में लेने के बाद ये 2/3 कवर होना चाहिए। ये जो 2 ट्यूब है ये ब्रेकियल आर्टरी के ऊपर से जाना चाहिए, इसको इस तरीके से बांध लिया जाता है, हाथ को रिलैक्स रखा जाता है। कम से कम अपन आधा घंटे पहले तक कोई एक्सरसाइज, कोई स्मोकिंग या कोई कॉफी ना लिए। शांत तरीके से 5 मिनट बैठने के बाद BP इंस्ट्रूमेंट को अपने हार्ट के लेवल पर रखना है, BP कफ को अपने हार्ट के लेवल में रखना है। उसके बाद आप इलेक्ट्रॉनिक मशीन का बटन दबाएं और 3 बार BP लेना है 1-1 मिनट के गैप से। जो 2 और 3, दूसरी और तीसरी BP है उसका एवरेज जो निकलेगा उसको हम मानते हैं कि दैट इज द एक्चुअल ब्लड प्रेशर ऑफ द पेशेंट। वो अगर आप घर पे इस तरीके से नाप रहे हैं और फिर भी आपको ज़्यादा मिल रहा है तो आपको डॉक्टर से कॉन्टेक्ट करना चाहिए। BP इंस्ट्रूमेंट जब भी आप ले, इलेक्ट्रॉनिक वाला, उसको डॉक्टर के पास ले जाइए, उनके BP इंस्ट्रूमेंट के साथ उसको कैलिब्रेट कराइए, तो अपन को पता रहेगा कि आपका BP इंस्ट्रूमेंट ठीक है कि नहीं है। तो मेरा संदेश ये रहा आज के लिए कि आप ब्लड प्रेशर इज अ वेरी कॉमन डिजीज, उसको आप बहुत अच्छे से कंट्रोल करके रखिए। अगर ब्लड प्रेशर हो भी गया तो उसको कोई बड़ी बीमारी ना समझे, उसको एक आजकल लाइफस्टाइल का पैटर्न माने और थोड़ा सा अपने लाइफस्टाइल को मॉडिफिकेशन करेंगे तो आपका ब्लड प्रेशर कंट्रोल रहेगा। स्टे हेल्दी, स्टे अवेयर।